नमस्कार, हम छी ललित नारायण झा। अपने लोकनिक बहुत बहुत स्वागत है इस मिथिला मिरर में। और एकटा विशिष्ट पाहुन के लोक अपने लोकनिक संग छी भेंटघाट के कार्यक्रम में। और बहुत रास सवाल जे छै से हमर तिखर सवाल हिनका से निश्चित रूप से हमरा लग अइ। और चूंकि ई अपना आप में एकटा व्यक्तित्व छथि, से ततेक बहुआयामी व्यक्तित्व छथि जे बहुत रास गतिविधि से जुड़ल छथि। तऽ जहन आदमी बहुत रास गतिविधि के संगे जुड़े छै तऽ ओकरा ऊपर बहुत रास प्रश्न, बहुत रास सवाल के बौछार बरखा तऽ भेनाइ स्वाभाविक छै। हिनका विषय में ई कही, सबसे पहले हिनकर शुरुआत जे छै से भारतीय जनता पार्टी के जे मुखपत्र छै कमल संदेश, तै के सहायक संपादक, ओकरा अलावे जखन ब्लॉग से वेबसाइट के दुनिया में लोग पैर बढ़बैत रहे, डेग बढ़बैत रहे, तखन जे छै से प्रवक्ता.com के नाम पर जैठन अपन अभिव्यक्ति के जे छै से लोग आजादी अपन अभिव्यक्ति के राखि सके, तै टाइम में एकटा फोरम के स्थापना केनिहार संजीव सिन्हा। एकरा बाद जे छै से दिल्ली पत्रकार एसोसिएशन, दिल्ली जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सेक्रेटरी और मैथिली साहित्य महासभा मैसाम ओकर जे छै से उपाध्यक्ष संजीव सिन्हा आइ हमरा सभक संग छथि। आ एकरा अलावे मिथिला राज्य निर्माण सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता सेहो बहुत रास जे छै से गतिविधि में संलिप्त रहै छथि। संजीव भाई, बहुत बहुत स्वागत छै अहाँके मिथिला मिरर में। सबसे पहले अहाँके धन्यवाद देबे चाहब कि एतेक नीक मैथिली मीडिया के अहाँ आगू बढ़ा रहल छी और मिथिला मिरर .com के नाम से बहुत नीक काज कर रहल छी। तो सबसे पहले अहाँके बहुत बहुत हार्दिक बधाई, स्वागत। संजीव भाई, शुरुआत जे छै से चूँकि हम मिथिला मैथिली से जे छै से करै छी, चूँकि भारतीय जनता पार्टी से अहाँ जुड़ल छी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जे छै संभवतः अहाँके छात्र राजनीति के जे छै शुरुआत भेल, तऽ राजनीतिक लोक तऽ छी, लेकिन एकरा छोड़ि अभी मिथिला मैथिली पर, मिथिला राज्य निर्माण सेना राष्ट्रीय प्रवक्ता छी, सवाल जे छै से अहाँ से हेबेटा करत। और की केना गतिविधि चलि रहल छै मिथिला राज्य निर्माण सेना के, जखन निर्माण सेना के फॉर्मेशन भेलै तखन बड़ा ओजस्वी जे छै से ओहिमे लोक सब छलै, संस्था टूटलै, बिखराव भेलै, फेर संस्था जे छै से ठाढ़ हेबाक कोशिश केलकै, लेकिन फेर जना बुझाइए जे मृत प्राय भऽ गेलै। आखिर ई जे जर्नी छलै 2014 से 2017 अखन आब समापन हो जा रहल छै, तऽ आखिर एना किया भऽ रहल छै मिथिला निर्माण, मिथिला राज्य निर्माण सेना के संगे? मिथिला राज निर्माण सेना के संभवतः 2013 में ही एकर नींव पड़ल रहे, और इस समय में जना अहाँ कहलियै बहुत सक्रियता के साथ काज ठाढ़ भेलै, और दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर, कलकत्ता और मिथिला के धरती पर सेहो एक बार लगातार एक से एक बढ़ का काज, अहाँ के धरना, प्रदर्शन, संगोष्ठी, हर मंच से, हर गतिविधि से जना भ सकै छै तना मिथिला राज निर्माण सेना के काज ठाढ़ भेलै। अखन जरूर छै कि ओहि हिसाब से, जे हिसाब से एकर सक्रियता 13, 14, 15 में रहल छै, अखन करीब 1.5 साल से ओहि तरह से सक्रियता नहीं छै, लेकिन तकर बावजूद अहाँ देखबै कि धीरे धीरे मिथिला राज निर्माण सेना आगू बढ़त रहलै है। आ जना पिछला 3-4 महीना पहले दरभंगा में करीब 2000 मैथिल ओहिमे सहभागिता भेलै, और बहुत पैघ एकटा रैली भऽ कऽ, और मिथिला के अधिकांश जिला से ओहिमे लोक सब आयल रहे, तो बहुत नीक विश्वास, उम्मीद बनल छै। अखन किछ कनी सक्रियता में कमी छै। बहुत बड़का जे छै से प्रश्न करबाक हमरा अवसर दऽ देलहुँ अहाँके एहिमे, चूँकि मिथिला राज निर्माण सेना के मूल मांग की छै? चूँकि जना एकर नामे छै मिथिला राज निर्माण सेना, तो मिथिला राज्य के पुनर्गठन, मिथिला राज्य के जखन पुनर्गठन के बात होइ छै, 4 महीना पहले जखन अहाँके किशनगंज, अररिया, कटिहार, सहरसा, पूर्णिया, सीतामढ़ी, शिवहर के अगर प्रतिनिधि अबै छथि, तऽ ओ तमाम प्रतिनिधि बाढ़ि में डूबि रहल छै। अहाँ सब छियै कतऽ? केओ गोटा राजेश जी दरभंगा में बैस कऽ मिथिला राज्य के निर्माण करता, संजीव सिन्हा दिल्ली में बैस कऽ मिथिला राज्य के निर्माण करता, अहाँके राष्ट्रीय अध्यक्ष आधा दिन भारतीय जनता पार्टी के काज करै छथि, आधा दिन मिथिला राज्य निर्माण सेना के समय भेटै छनि तऽ एकटा फेसबुक पोस्ट कऽ दै छथिन। कि अहाँ सबके नहि लागैए जे अहाँ सब जे छै से भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में काज करै छी? अगर अहाँके राजनीति करबाक अछि तऽ फ्रंट, जेना अहाँ फ्रंट लाइन कऽ रहल छी, अहाँ भारतीय जनता पार्टी से सक्रिय छी, तऽ या तऽ ओना अहाँ जे छै राजनीति करू, या फिर मिथिला मैथिली के जे नाम पर अहाँ सब राजनीति कऽ रहल छी तकरा बंद कऽ दियौ। अहाँ सबके अखन बाढ़ के समय में अहाँ सब अगर ओहि आदमी लग जैतियै जे अहाँके कार्यकर्ता जे अहाँ सब पर विश्वास कऽ कऽ 2000 लोक आयल छलथि, अखन हुनकर हुनका जरूरत छलनि अहाँ सबके, कतऽ छै मिथिला राज्य निर्माण सेना? बिल्कुल, जना हम अहाँके स्वयं अपन वक्तव्य में कहलहुँ कि अखन 3-4 महीना से एहिके सक्रियता में कमी आयल छै,
और चूँकि जेना हमरा पर सवाल सेहो ठार कयलहुँ, तऽ चूँकि हमर केन्द्र जे छै दिल्ली छै, बहुत रास गतिविधिसँ हम एहिठाम जुड़ल छी, तऽ ओहि लऽ कऽ चूँकि हमर जे मिथिला राज निर्माण सेनामे जे हमर योगदान छै, बेसी हम अपन योगदानके बौद्धिक रूपसँ देख रहल छी। चूँकि ओहिके संविधान बनलै, चाहे ओहिके पैम्पलेट निकलै छै, कोनो बुकलेट निकलल, कोनो वेबसाइट छै, तऽ ओहिमे हमर योगदान रहै छै। चूँकि हमर केन्द्र दिल्ली छै आओर मिथिलाके धरतीपर सेहो आब जेना राजेश झा जी छथि, बहुत उत्साह आओर उम्मीदके सङ्ग ओहिठाम ओ सक्रियता हुनकर प्रवास मिथिलाके सभ जिलामे भेलैए। लेकिन अखन तीन चारि महिनासँ चूँकि होइ छै कि कोनो संस्था होय या देश होय, कोनो तरहके एहन इंस्टीट्यूशन होय, तऽ ओहिमे एहि तरहके फेज अबैत रहै छै कि कखनो बेसी सक्रियता रहै छै, कखनो कम सक्रियता रहै छै, तखन दुर्भाग्यसँ कहियो तीन चारि महिनासँ एकर सक्रियता कम छै। मिथिला मैथिलीके जे कोनो संस्था अखन तक बनलैए, ताहिमे कमसँ कम अहमके जे लड़ाइ छै या व्यक्तित्वके वर्चस्व या व्यक्तिगत वर्चस्व जे छै, ओ एकटा बड़ पैघ जे छै सेटबैक रहलैए। एकर पाछाँ जेबाक जे छै से जे दू चारिटा कारण छै, ताहिमे सबसँ प्रमुख कारण ई छै, महत्वाकांक्षी हेबाक आरोप अहाँपर बेर बेर लगैत रहल। कारण मिथिला राज्य निर्माण सेना जखन टूटलै तऽ झगड़ा भेल रहै जे वेबसाइटपर सहीसँ किछु पोस्ट नहि भऽ रहल छै, वा संजीव सिन्हा एकटा डायरी रखने छथिन डॉक्यूमेंट्री बनाकऽ या डायरेक्टरी बनाकऽ, जे ओ अहाँके सार्वजनिक नहि कऽ रहल छथिन। की छलैए ई विषय, अहाँसँ जानऽ चाहब। देखियौ, ओहि समयमे की भेलै कि एकटा तय भेल रहै मिथिला राज्य निर्माण सेनामे कि जंतर मंतरपर एकटा पैघ रैली कयल जाय, तऽ ओहिके तैयारी होइत रहै, लेकिन दुर्भाग्यसँ ओ तैयारीसँ पूर्व ओहिमे किछु दरार जकाँ पड़ि गेलै, तऽ फेर अन्तमे निर्णय भेल कि अखन स्थगित कयल जाय, बादमे ई धरनाके कयल जाय। लेकिन चूँकि ओहिमे किछु दोसर ग्रुप जेना अनूप चौधरी, शरद जी ईसब रहथिन, तऽ हुनकर सबके रहै कि नहि हम एहि धरनाके आयोजित करब, तऽ ओ आओर बहुत ओहिमे जे छै अधिकांश भाग जे छै ओहिके पक्षमे नहि रहलै कि चूँकि बादमे करब, तऽ लेकिन धरना भेल ओहिठाम जंतर मंतरपर। तो ओहिमे ई रहै जे चूँकि संस्थाके हमर जे काज रहै ओहिमे बौद्धिक रूपसँ इनपुट देनाइ, तऽ हमरा पास ओहि एकटा जे होइ छै, हमसब जे कार्यक्रम करै छियै तो ओहिमे जे उपस्थिति पञ्जिका रहै छै तो हमरा पास रहै, तो ओहिमे चूँकि ओहिमे मोबाइल नम्बर आओर ईमेल आईडी सब रहै छै, तऽ आब चूँकि संस्थामे दू फाड़ भऽ गेलै आओर चूँकि ओ डायरी रजिस्टर हमरा लग रहै, तो ओहिमे ओ अनूप जी कहलखिन कि अहाँ लग रजिस्टर अइ, रजिस्टर हमरा दऽ दिअ। आब चूँकि दू फाड़ भऽ गेल रहै, तऽ हम हुनका कहलियै कि चूँकि विजय झा जी सब रहथिन, तऽ किछु प्रमुख संगठनके अपन आदमीसँ बात कऽ कऽ गप कऽ कऽ, तऽ ओहिमे तय भेलै कि नहि अहाँ रजिस्टर नहि दियौ, अहाँ जे छै फोटो स्टेट दऽ दियौ। तऽ हम अनूप जीके कहलियै कि अहाँ जे छै एहिके फोटो स्टेट अहाँके चूँकि फोन करैके या कोनो प्रचार प्रसार करैके, तऽ अहाँ फोटो स्टेट लऽ जाउ। लेकिन अहाँके ई जानि कऽ आश्चर्य लागत कि अनूप जी सङ्गे जे छै तीन चारि टा कार्यकर्ता हमरा जे छै डेरापर आके सेहो आओर किछु एहि तरहके अनुचित गप सेहो भेलै। चूँकि हमरा नीक नहि लागल, लेकिन हमसब जनै छी कि कोनो सामाजिक काम जे अहाँ करबै तऽ ओहिमे बहुत एहि तरहके गतिविधिसँ गुजरऽ पड़ै छै, उपहास होइत, उपेक्षा होइत, विरोध होइत, बहुत अन्तमे जाकऽ कोनो सफलता भेटै छै। लेकिन तकर बादो हम चूँकि एहिके स्वीकार कऽ लेलहुँ, हम जनै छी कि अपमान असहमति जे छै ई आन्दोलनमे, अगर अहाँ आन्दोलनकारी छियै तऽ ई एहि प्रोसेस अहाँके गुजरऽ पड़त। तऽ ओ तकर बाद जे छै हम फोन कयलहुँ विजय जी वगैरह सबके, ओ कहलकै नहि हमरा रजिस्टर चाही। हम कहलियै देखू अहाँ फोटो स्टेट लऽ लिअ, अहाँके सूचीसँ काज अइ, अहाँके फोन करबाके तऽ अहाँ फोटो स्टेट लऽ लिअ, नहि हमरा रजिस्टरे चाही। तहनमे हम किछु गप कयलहुँ, चूँकि एहि तरहके अनुचित बात भेलै आ जतऽ हमर निवास छै ओहिठाम कार्यालय सेहो छै, तऽ हम फेर अन्तमे स्थितिके देखैत हुनका जे छै रजिस्टर दऽ देलहुँ। ठीक छै, ई तऽ निर्विवाद छै, साफ भऽ गेलै जे मिथिला राज्य निर्माण सेना एखन बहुत बेसी सक्रिय नहि छै। आउ आब मैसाम दिस हमरासँ आबी, मैथिली साहित्य महासभा जकर दू फाड़ भऽ गेलै, एक गोटा जे छै से रजिस्टर्ड करेला ट्रस्टमे, दोसर गोटा किछु आओरमे पञ्जीकृत करबेला, ओहिमे अहाँ उपाध्यक्ष छी। एकटा सवाल जे बेर बेर एहिमे उठि रहल छै, जे बहुत रास लोक एहन सवाल उठा रहल छथि जे जहन साहित्यके संवर्धनके जहन बात आबै, ओहि कोर कमिटीमे एकोटा साहित्यसँ जुड़ल लोक नहि, ठीक छै, या अखन जे केओ गोटा जुड़बो केला है तिनका ओ बहुत बेसी आँखिगर जे छै से हुनका समाज, कमसँ कम साहित्य वर्ग जे छै से हुनका आँखिगर साहित्यकारमे हुनका नहि मानि रहल छनि, तऽ की संजीव सिन्हा पत्रकारो भऽ जेता, साहित्यकारो भऽ जेता, आन्दोलनियो भऽ जेता, प्रवक्तो भऽ जेता, तऽ आखिर ओहि जे अहाँ सभक कोर कमिटी छै, ओहिमे कोर कमिटीमे दू चारि पाँचटा साहित्यसँ जुड़ल लोक किया नहि? देखियौ, छै कि ई मैथिली साहित्य महासभा जे छै ओहि समयके एकर परिणति भेल रहै, जखन ई मिथिला राज निर्माण सेनामे दू फाड़ जकाँ भेल रहै, ओ जे हम धरनाके बात अहाँके कहै छलहुँ,
तो ओहि समयमे ओहू समयमे किछु निष्क्रियता आबि गेलै, चूँकि दू फाड़ भऽ गेलै, तऽ हमरा मनमे विचार आयल कि भाई दिल्लीमे जे छै एतेक अनुमानित छै कि 30-35 लाख मैथिल छै, आओर दिल्लीमे चूँकि हम एक संस्कृतिकर्मीके तौरपर विभिन्न भाषा भाषी समूहके साथ उठै बैसै छी, तऽ देखबामे आयल कि बहुत अलग अलग भाषाके लोकसभ अपन दिल्लीमे जे छै भाषाके ध्वज उठेने छथि आ हुनकर साहित्यिक कार्यक्रम होइ छै। तऽ हमरा मनमे आयल कि भाई हमर मैथिली जकर एतेक प्राचीन आ गौरवशाली इतिहास छै, अखनो बहुत ओहिमे रचनात्मक काज भऽ रहल छै, तऽ दिल्लीमे 30-35 लाख जे आबादी छै तऽ किएक नहि एहिठाम भऽ रहल छै। दुर्भाग्यसँ ओहि समयमे कोनो मिथिला मैथिली साहित्यिक मतलब सङ्गठन दिल्लीमे नहि रहै, तऽ हमरा मनमे विचार आयल, तऽ एहिमे जे छै हम 3 आदमीके प्रमुखता अमरनाथ झाजीके आओर हेमन्त झाजीके आओर विजय झाजी पालमके हुनका 3 आदमीसँ सम्पर्क कऽ कऽ हम कहलियै देखू हमरा मनमे विचार आयल आ चाहि रहल छी जे अपनासभ चूँकि अखन जे किछु वैक्यूम आयल छै एहि दौरमे किछु साहित्यके काज अगर सेहो भऽ जाय, मानि लिअ कोनो सङ्गठन नहि छै, देखियौ साहित्य जे छै एक तऽ होइ छै कि अहाँके लिख कऽ ओकरा जे छै उन्नति दऽ रहल छियै, लेकिन अहाँ देखब कि बहुत एहन साहित्यकार छै जे दिन राति अपने रचनात्मक काजमे लागल रहै छथिन, तऽ सङ्गठनसँ सेहो साहित्यके उन्नति होइ छै। अहाँ बहुत लोक एतय जे छै एतेक लाख मैथिल छी, हुनका मैथिली साहित्यके प्रति ओहन अनुराग नहि छै, अहाँ एहिके प्रचार प्रसार करबै, सङ्गठन करबै, एहिके लेल तऽ सङ्गठन शक्ति चाही, कोनो एकटा साहित्यकार तऽ एतेक अहाँके पैघ कदम अपनामे इंडिविजुअल नहि लऽ सकै छथिन, ओ लेथिन तऽ हुनका रचनात्मकता सेहो प्रभावित हेतै। तऽ मनमे आयल तऽ फेर हम तीनूके हुनका बजा कऽ बैस कऽ आ 2015 जे छै मैथिली साहित्य महासभाके हमसभ गठन केलियै। ओहिके बाद जे छै ओहूमे अहाँके संजय नागदा जी छथिन ओ विरोध कऽ देलखिन आओर ओहूमे विवाद भेलै कि साहित्यके नाम पर कि भाई एहिमे साहित्यकार रहै आओर ताहिके सवाल पर, लेकिन हाँ देखबै कि साहित्यकार मतलब मैथिली साहित्यके उत्थान जे करऽ चाहै छै कोनो साहित्यिक संस्था होइ छै ओहिमे ओकर 2 टा वर्ग होइ छै, एकटा वर्ग एहन होइ छै जे स्वयं साहित्य रचि रहल छथिन आ एकटा वर्ग होइ छै जे साहित्य प्रेमी छथिन। हमरा मिथिला मैथिली भाषाके प्रति मनमे अनुराग अछि, तऽ हमरा मनमे जे हमर अपन मातृभाषा जे छै आगू बढ़बाक चाही। हम जे दिल्लीमे रहलहुँ जेना अहाँ कहलहुँ कि भाई 2006 ब्लॉग आ 2008 शुरुआती दौरमे प्रवक्ता.com बना कऽ करीब 700 लेखकके ओहिमे जोड़ि कऽ करीब 30-35 हज़ार आर्टिकल ओहिपर प्रकाशित कऽ कऽ, तऽ चूँकि यदि हिन्दीके हम सेवा कऽ सकै छी तऽ ओ चीज कहीं ना कहीं दिल्लीमे चूँकि हम 95 छी तऽ ओकरा हमरा विस्मरण भऽ रहल छल, तऽ हमरा मनमे आयल कि नहि अपन मातृभाषाके सेहो उत्थान हेबाक चाही, हमर दायित्व अइ बिल्कुल घरसँ लऽ कऽ ब्रह्माण्ड तक एहिमे लगातार जे कंटिन्यूटी छै जगह जगहपर अपन अपन भूमिका निर्वाह करऽके चाही। तऽ मैथिलीके मनमे आयल कि मैथिलीके सशक्त कयल जाय, मैथिलीके प्रचार प्रसार कयल जाय, आ ओहि हिसाबसँ अहाँ देखबै कि एकर 3 टा प्रमुख कार्यक्रम होइ छै आओर कंटिन्यूटीमे 2015 भऽ रहल छै। जहाँ तक अहाँके प्रश्न अइ कि एहिमे साहित्यकार नहि छै, तऽ अहाँ ओहिमे देख लियौ अहाँ जे आदित्य भूषण मिश्रा छथिन हमर सभके सचिव छथिन, बहुत पैघ साहित्यकार पूरा एक साहित्यिक परिवारसँ अबै छथिन, अहाँके चाहे मणिकान्त जी छथि, संदीप झा सरस जी छथि, तारा बाबू जी छथि, ईसभ लगातार मैथिली ओहिसँ लिख रहल छथिन, नवोदित छथि। ठीक छै, हाँ आदित्य जी के नाम लेलहुँ हैं, आदित्य जी के साहित्यिक परम्परा छै, पैघ घरानासँ छथि, लेकिन जतेक गोटाके नाम लेलहुँ हैं ई गोटे अखन नया छथि, एहि कहबामे जे छै से सब गोटा हमर बढ़िआँ मित्र छथि, लेकिन जखन हमरा हाथमे माइक अबैए तहन निष्पक्ष भऽ कऽ बाजब जे छै से हमर कने वचनबद्धता रहैए। सब गोटा नीक लिखै छथि, लेकिन समाज हुनका जे छै वर्चुअल लाइफमे तऽ ठीक छै, वर्चुअल लाइफमे सोशल मीडियापर तऽ अहाँ हमर मित्र छी, हमर मणिकान्त बाबू मित्र छथि, हमर आदित्य जी मित्र छथि, राम बाबू जी मित्र छथि, ततऽ तक तऽ ठीक छै, लेकिन जतऽ साहित्यकारके मूल्याङ्कन होइ छै साहित्यके लऽ कऽ ततऽ हुनका सबके पहुँचैमे कनिक समय जरूर लगतनि। ठीक छै संजय जी, एहिमे एकटा चीज कहऽ चाहब कि देखियौ ई चूँकि हमसभ जे काज कऽ रहल छी, ठीक छै अहाँके ई सवाल भऽ सकै छै कि बहुत ओहि तरहसँ बहुत पैघ साहित्यकारके उपलब्धि नहि छै, लेकिन ई सवाल तऽ एहि हिसाबसँ मैथिली साहित्य संस्था बनाकऽ काज नहि हेबाक चाही। यदि ककरो कोनो मैथिल छै ओकरा मनमे अनुराग छै कि हम मैथिली साहित्यके लेल कुछ काज करऽ चाहै छी, तऽ ई सवाल अहाँके मैथिली साहित्यकारसँ सेहो करऽके चाही, चूँकि दिल्ली यदि केन्द्र छै, अगर ओ सब संस्था बनाकऽ काज नहि कऽ रहल छथिन, अगर ओ सब ओहि तरहसँ मैथिली साहित्यके उत्थानमे नहि लागल छथिन, ओकर प्रचार प्रसार नहि भऽ रहल छै, तऽ एहि मुताबिक जे बहुत पैघ साहित्यकार छथिन हुनके टा केवल अधिकार होबाक चाही, तऽ फेर एहि हिसाबसँ संस्थे मैथिलीमे नहि छै। आब जेना हम अपन स्वयं अहाँके विचार कहै छी, चूँकि हम स्वयं कहलहुँ कि हम बहुत अधिकांश भाग हमर हिन्दीके सेवामे गुजरल अछि,
अहाँके अहाँ पिछला बेरमे रहबो करी, हम एकटा बहुत पैघ आयोजन कयने रही एहिठाम मैथिली पत्रकारिताके इतिहासपर। बहुत करीब 20 टा जे छै अहाँके साहित्यकार सब बातचीत कऽ कऽ हम जे छै विशेषांक लऽ कऽ आयल रही मैथिली पत्रकारिताके की इतिहास विकास छै। तऽ एहि तरहके काज मिथिला राज निर्माण सेनामे न्यूज लेटर हम निकालैत रही, ओकर वेबसाइट चलबैत रही। तऽ कुल मिलाकऽ अखन जे मैथिली राज ई मैथिली साहित्य महासभा छै एहिमे हमसब जे छै साहित्यिक कार्यक्रम करै छी। जे वक्ता बनबै छियै ओकर अहाँ स्टैंडर्ड देख लियौ कि के लोक सबमे श्याम दरहरे जी साहित्य अकादमी विजेता ओ सब वक्ता रहै छथिन, उषा किरण खान जी रहै छथिन, अखन जे अहाँके व्याख्यान भऽ रहल छै उदय नारायण सिंह नचिकेता जी दऽ रहल छथिन, महेंद्र मलंगिया जी, ओहिके जे देखबै अहाँ बहुत एक से एक पैघ जे मतलब प्रतिष्ठित लोक सब साहित्यकार छथिन ओ सब संबोधित करै छथिन। हमर सबके काज एतबे छै जे मंच सजा दै छियै, हुनका इनवाइट करै छियै, ओ बौद्धिक दै छथिन, आ ओहिके बाद एकटा काज हम स्वयं करै छी जे ओ सब भाषण दै छथिन ओहि सब भाषणके नोट कऽ कऽ एडिटिंग कऽ कऽ ओ जे छै बुकलेटके रूपमे समाजके सामने PDFके रूपमे परोसि रहल छी। तऽ इहे नहि छै कि भाइ मैथिली साहित्यके उत्थान केवल जे एकटा साहित्य अकादमी जिनका भेट जाय वएह कऽ सकै छथिन, ई नहि छै। जिनका छोटो स्तर पर हमरा मनमे मैथिली भाषाके प्रति अनुराग अइ तऽ हम अपन दायित्वके निर्वाह कऽ रहल छी। बहुत बढ़िया, निश्चित रूपसँ अहाँ जे सवाल कहलहुँ हँ, निश्चित जहन ओहिगर जे गोटा साहित्यकार छथि जे साहित्य अकादमीके तमगा लऽ कऽ बैसल छथिन हुनका लग जहिया हमरासभ बैसब तहिया इएह एग्रेशन इएह एनर्जीके सङ्गे हुनकोसँ सवाल करबनि कि अहाँ सभक साहित्य की साहित्य अकादमिए लैटा तक सीमित अइ या फेर एकरा बादो अहाँसभ जे छै से किछु करबै। निश्चित रूपसँ जे केओ गोटा काज कऽ रहल छथि हुनकासभके मोनमे कनिकबो खोट नहि हेबाक चाही, चाहे ओ सरसजी होथि, आदित्य होथि, मणिकान्त भाइ होथि, रामबाबू सिंह होथि, जे केओ गोटा होथि। संजय नागदह तऽ अलग भऽ गेला लेकिन वर्तमानमे अहाँसभक जे मिथिला साहित्य महासभा अइ ओहोमे सबकिछु बढ़िआँ नहि चलि रहल छै, तऽ आखिर ई आपसी टकराव मतलब मैथिल भऽ कऽ संस्था बनाउ दू साल बाद जे छै से फेर वएह अध्यक्षे पदके लेल जे छै से लड़ाइ हेतै, आखिर ई किया? एहिमे हमरा जनतव्य जे हमसभ बड़ बेसी पढ़ल लिखल छी ताहिके टकराव होइ छै, बड़ बेसी बुद्धिजीवी छी ताहिके टकराव होइ छै, या फेर पदे सबकिछु छै? देखियौ, हम जेना अहाँके स्वयं कहलहुँ कि मैथिली साहित्य महासभाके जे छै मूल विचार हमरा मनमे आयल छल आ ओहि समयमे किछु यदि अहाँ जेना कहि रहल छी कि भाई पद आओर एहि सबके कामना हमरा मनमे जखन रहितै तऽ हम स्वयं के अध्यक्ष बनि जैतहुँ, लेकिन हम जे छै ओहिमे देखलिए चूँकि अमरनाथ जी ओहि समयमे एक्टिव रहथिन आओर बहुत नीकसँ हुनकर जे छै कार्यक्रम करऽके हुनका पास जे छै कौशल छै, तऽ हुनकासँ जे छै हमरे आग्रह पर जे छै हुनका अध्यक्ष बनायल गेल। आ एहिमे जे छै अहाँके विजय झाजी आओर हेमंत झाजीसँ बात कऽ कऽ, हालाँकि बादमे विजय झाजी सेहो एहिसँ असहमति जता देलखिन, लेकिन चूँकि ओहि समयमे हमसब मानि लेली कि अमरनाथ जीके अध्यक्ष बनाबऽके छै, संजय नागदा झाजी सबके विरोध रहै तो दू फाड़ ओहिमे भऽ गेलै। तऽ यहाँ नहि कहबै कि भाई पद लोभ लालच ओहिमे जे रहितै, मिथिला राज निर्माण सेनामे सेहो हमरा पास कहियो हम कोनो अध्यक्षके लेल या कोनो महासचिवके लेल ओहि लेल नहि रही, हम अपन भूमिका स्वयं तय करै छी। हमर भूमिका जेना अखन प्रवक्ताके भूमिका छै, हमर भूमिका ई छै कि भाई लिखऽ पढ़ऽके, वेबसाइट चलाबऽके, पत्र पत्रिका निकालऽके, ओहिके वैचारिक, चूँकि कोनो आंदोलन चलै छै सीधे अहाँ धरना प्रदर्शन करैत रहबै तऽ बहुत ज्यादा दूर तक नहि जाइ छै, विचार शक्ति पहिले होबऽके चाही, क्लैरिटी होबऽके चाही, किएक हम मिथिला राज्य हम किएक माँगि रहल छी, पहिले हमरा मनमे ओहिके जे छै संकल्पना होबऽके चाही। तऽ ओहि हिसाबसँ अहाँ देखियौ तऽ हमरा पद लोभ मोह ओहि हिसाबसँ नहि अछि। हाँ, चूँकि जरूर छै कि एहिबेर जे छै हम अध्यक्ष पदके लेल नॉमिनेशन कयने रहिए, हमरा मनमे रहै चूँकि अमरनाथ जी अध्यक्ष भऽ गेल रहथिन तऽ हमरा मनमे रहै, चूँकि हम ओहिके महासचिव रहिए तऽ हमरा मनमे रहै कि अध्यक्ष होबऽके चाही। आ ई कोनो कहबै कि अहाँके महत्वाकांक्षासँ मुक्त भऽ जाए एहन साधु संगत परमहंसवला बात नहि छै। हँ, ई हम जनै छियै कि भाई अपन अधिकारके अतिक्रमण नहि करबाक चाही, लेकिन हमरा मनमे लागल कि आब जे छै संस्थाके एक अमरनाथ जी जे छै दू बेर अध्यक्ष भऽ गेलखिन, आब एहि बेर हमरा करैके चाही, लेकिन तकर बादो चूँकि हेमंत भाई जे छथिन ओहो कहलखिन नहि हमहूँ जे छै अध्यक्षके लेल हाँ करब, तऽ हम जे छै अहाँके बता दै छी कि हम स्वीकार कऽ लेली कि ठीक छै अगर अमरनाथ जीके हम नहि चाहि रहल छी तऽ हेमंते जी होबऽके चाही, आओर इवन हम अपना वोट तक हम हेमंत जीके दऽ देने रही। ठीक छै, दूटा संस्थापर बात कऽ लेलहुँ, तेसर संस्थापर जे छै से बात केनाइ जरूरी अइ। चूँकि पेशासँ हम पत्रकार छी, पत्रकारिता छी, बहुत तरहक चीज हमरा कहल जाइए लेकिन हम पत्रकार अपने आपके मानै छी। दिल्ली पत्रकार यूनियन या संघ जे कहिए ओहिमे एग्जीक्यूटिव मेम्बर छी अहाँ, ओहिके स्थापना भेलै, बड़ा खुशी भेटल जे दिल्लीमे जे विभिन्न तमाम मीडिया घरानामे काज करैवला जे मैथिल जर्नलिस्ट सब छथि ओहिमे ओसब एकजुट भेला है, एक प्लेटफॉर्मपर आनल, बड़ा सराहनीय चीज छलैए।
हमरा नहीं जोड़ल गेल रहे, बाद में हमरो जोड़ल गेल, लेकिन जे हमर 5-7 एक सप्ताह के हमर ओहिठुनका संस्मरण रहल जे ओहिठान ओहि फेसबुक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में छै सिर्फ माछ भात, बेटा के मुरन, डिहबारक फोटो, हम दू बेर ओहिमे लिखबो केलियनि जे आखिर मैथिली मीडिया के संवर्धन पर जे छै से अहाँ सब की सोचै छियै, केओ गोटा हमरा जवाब दै के जे छै से मुनासिब नहि समझलथि। एक सप्ताह बाद हम ओहिमे से निकलि गेलहुँ, या तऽ सामा चकेबा पर ओ अहाँ सबके मिलानी होइए, या फेर माछ भात जखन अहाँ सब प्रेस क्लब में खाइ छी, जहन मिथिला मैथिली के गीत संगीत होइ छै, तखने अहाँ सबके जे छै से फेसबुक पोस्ट अबैए या चर्चा में अहाँ सब आबै छी। तऽ की मैथिली मीडिया के संवर्धन सिर्फ प्रेस क्लब में माछ भात खा लेला सँ भऽ जेतै, सामा चकेबा पर सब गोटा आबि कऽ सब कनिया पुतरा के संगे आबि जायब ताहिसँ भऽ जेतै, या फेर अहाँ सब जतेक गोटा जतेक मतलब इंडिया के टॉप लेवल के जे जर्नलिस्ट सब छी, अगर अहाँ महीना में एकेटा का आर्टिकल जे कोनो संस्थान जे मैथिली मीडिया में सक्रिय छै तकरा अगर देबै, कतेक आगाँ जेतै मैथिली मीडिया? देखियौ, जे मैथिल पत्रकार ग्रुप छै तऽ ई केवल मैथिली मीडिया के सशक्त करय लेल नहि छै, ई छै जे मैथिल पत्रकार जे दिल्ली में रहै छथिन आ तऽ पहिले ओ सब जे छै आपस में एकजुट भेलखिन, चूँकि दिल्ली में जेना प्रेस क्लब में एकर गठन भेल रहै ओहिठाम अहाँ देखबै तऽ प्रेस क्लब में कोनो पंजाबी कल्चर के पत्रकार सब आपस में बैस कऽ सांस्कृतिक प्रोग्राम करै छथिन, कोनो भोजपुरी समाज के पत्रकार सब मिल कऽ करै छथिन, तऽ ई एकटा मन में आयल रहै जे मैथिल पत्रकार एतेक नीक संख्या में दिल्ली में छी तऽ अपनो सबके भेंटघाट करय के चाही, आपस में दुख सुख साझा करय के चाही, और कोनो सांस्कृतिक कार्यक्रम और ओहिमे निश्चित रूप से मैथिली साहित्य सेहो रहै के सबके संवर्धन, और कुल मिलाकर जे छै मिथिला क्षेत्र के जे विकास के रूप से जे हम सब पिछड़ गेल छी, तऽ चूँकि पत्रकार के सहज तौर पर राजनेता से संबंध रहै छै, ओकरा बातचीत होइ छै, तऽ ओहिमे ई रहै जे उनका सब पर दबाव डालल जाए और कोनो विकास के मुद्दा पर जे छै मिथिला मैथिली के आगू बढ़ायल जाए। एहिमे जहाँ तक अहाँ कहलियै कि भाई एकर जे छै ओहि हिसाब से कार्यक्रम नहि भऽ रहल छै या मैथिली मीडिया के लेल की कऽ रहल अछि मैथिल पत्रकार ग्रुप, एहिमे ई छै जे 3 साल से संस्था चलि रहल छै, एहिमे विशेष रूप से अहाँ देखबै तऽ संतोष ठाकुर जी, मदन जी, नदीम जी, इहे 3 आदमी बेसी सक्रिय रहै छथिन, ओहिके संगे संगे और भी करीब 250 के करीब पत्रकार, बहुत प्रतिष्ठित पत्रकार सब एहि सबसँ जुड़ल छथिन। ताहिमे एकर कार्यक्रम होइ छै, जेना अहाँके देखबै एकटा सीरीज शुरू भेल छै मैथिल लेक्चर सीरीज, तऽ ओहिमे ई छै जे समय समय पर कोनो मैथिल विद्वान के बजा कऽ हुनका सब बातचीत कयल जाइ छै, ओहिके संगे संगे कल्चरल प्रोग्राम 2 बेर जे छै वार्षिक एकर आयोजन, ओहिमे मैथिली गीत संगीत के प्रोग्राम और ओहिमे नेता और पत्रकार सबके गणमान्य अतिथि सबके बजा कऽ एकजुट और आपस में भेंटघाट एक एक प्रोग्राम कार्यक्रम भऽ रहल छै। ठीक छै, एकर ओहि हिसाब से अखन मिथिला मैथिली के लऽ कऽ ओतेक बेसी जते विकास होबे के चाही ओहूमे कमी आबि रहल छै। आब ई तऽ संस्था के कहियो कि संस्थागत एकर बहुत बड़ा एकर कमजोरी होइ छै, जे संस्था कखनो नीक चलै छै कखनो कम भऽ जाइ छै, या जे अभिष्ट आदमी सोचै छै नहि होइ छै, या उत्साह हमें शुरू में बहुत बेसी उत्साह से सब एकजुट भऽ जाइ छै, धीरे धीरे उत्साह कमी कम भऽ जाइ छै, लेकिन तकर बादो अखन धरि निरंतरता में जे छै काज चलि रहल छै। ठीक छै, निरंतरता में अहाँके तमाम चीज, लेकिन एकटा चीज सब प्राय जे छै से हम कने के एहिठाम हमरा मत भिन्नता ई अइ, चूँकि हमर परिवारिश बंगाल में भेलै, और बंगाल में जे छै से आइ हम अगर मैथिली में काज कऽ रहल छी तऽ ओहिके प्रेरणा हमरा जे छै से बंगाली से भेटल, मिथिला से नहि भेटल। अगर बंगाली में मीडिया चलि सकै छै, बांग्ला में मीडिया चलि सकै छै, उड़िया, असमिया, नेपाली में अगर मीडिया चलि सकै छै, तऽ ओ जे 200-250 गोटे सब छथि, ओ तऽ आँखिगर पत्रकार छथि, इंडिया के जे फ्रंट मीडिया हाउस छै ताहिमे फ्रंट लेवल पर काज करै वाला लोक छथि। तऽ आखिर की ई चीज सिर्फ ललिते झा किया सोचै, संजीवे सिन्हा क्या सोचत कि हुनका लोकनिक मन में एहन तरह चीज नहीं अबै छन जे नहीं कि मैथिली मीडिया से हो व्यावसायिक बन सके? ठीक छे, ललित झा, संजीव सिन्हा अपन सर्वस्व न्यौछावर कह दे, अपन रीढ़ के हड्डी तक बेच दे, दान कह दे, लेकिन अइ में अगर हम सब अगर अपने 200 गोटा मिलकर अगर हम सब प्रयास करबै तो हमरा लगैए संजीव भाई कि हमर जे अगला जेनरेशन जे ओतै ओ मैथिली में पत्रकारिता क कमा सकैए, जेना उड़िया असमिया में भऽ रहल छै, कि ई सोचनाय जरूरी नहीं? बिल्कुल, हम तऽ बातचीत के पहिने ही अहाँके कहि देने रही, अहाँके धन्यवाद बधाई सेहो दऽ देने छी कि अहाँ बहुत अपन एकटा व्यक्तिगत जे छै उद्यमता से मैथिली मीडिया के आगू बढ़ा रहल छी, आ निश्चित रूप से ही सोचय के चाही अहाँ जे बंगाली अस्मिता और बंगाली मीडिया भाषा के सवाल एहिठाम रखलियै, निश्चित रूप से ओहिके अहाँके प्रेरणा भेटल त
तऽ ई तऽ छै मराठीके देख लियौ, तेलुगु, तमिल, सब भाषा भाषी जे छै अपन मीडियाके, अपन भाषाके, अपन साहित्यके आगू बढ़ा रहल छै। हमसब जे 13वीं शताब्दीसँ जाहिमे रचना भऽ रहल छै, जकर मीडिया रहल छै, ओहिके ओहि हिसाबसँ हमसब आगू नहि बढ़ा सकलियै। तऽ ई बिल्कुल ई सब जे छै मैथिल जे बहुत नीक स्थानपर पहुँच गेल छथिन, हुनका हुनकर ई दायित्व बनै छै जे मैथिली मीडियाके, मैथिली साहित्यके, मैथिली बुद्धिजीविताके केना आगू बढ़ाबी, एहि लऽ कऽ हुनका प्रयास करैके चाही। आओर इहे छै जे कुल मिलाकर अहाँ जे देखबै जे विभिन्न एहि तरहके मञ्च जे ठाढ़ होइ छै ओहिके पीछे इएह एकटा सोच रहै छै जे अहाँ कोनो ने कोनो बहाने ग्रुप बनाकऽ, समूह बनाकऽ मिथिला मैथिली साहित्य भाषा संस्कृति एहिके आगू बढ़ायल जाए। उतार चढ़ाव अबैत रहै छै, लेकिन ई तऽ एकटा तकलीफके बात छै कि बहुत व्यापक वर्ग एहिसँ नहि जुड़ै छै, एहिके पीछे बहुत चुनौती छै, धीरे धीरे ओहि चुनौतीके जे छै दूर करऽ पड़त। ठीक छै, चलू हमसब अन्तमे आबि गेलहुँ, प्रायः जतेक साङ्गठनिक छै मिथिला मैथिलीके प्रायः सबपर तऽ हमरासँ बातचीत कऽ लेलहुँ। एकटा चीज व्यक्तिगत ई अहाँके हम अहाँसँ पूछि रहल छी, अहाँके व्यक्तित्वसँ जुड़ल अइ, जे एतेक आलोचना भेलाके बाद केओ गोटे अहाँके घरपर आबिकऽ अहाँके धमका दै छथि, अहाँके कथा कहि दै छथि, या सोशल वर्चुअल लाइफमे सेहो बहुत बेसी आलोचनाके पात्र रहै छै, तकरा बादो जे छै से अहाँ सदैव मुस्कुराइत रहै छी, आलोचना झेललाके बादो ओहि जगहपर अहाँ पहुँच जाइ छी, आखिर ई की ई अहाँके व्यक्तित्व जे छै से ओहन सह मिलू अइ या फेर अहाँ डिप्लोमेटिक छी, ई चीज हम अहाँसँ जानऽ चाहब। देखियौ, बचपनेसँ हम जे छै कहूँ अहाँके अपना बारेमे, तऽ जेना शुरूएमे जेना अपना सबके मिथिलामे एकटा कल्चर रहै कि पहिले छठिके अवसरपर नाटक होइत रहै, लेकिन जाहि समयमे हम बड़का भऽ रहल छलहुँ 90 दशकमे, तऽ ओहि समयमे आरक्षणके चलते या फिर ओहिठामके राजनीतिमे मैथिल प्रभुता कम होबऽके चक्करमे जे छै बहुत पलायन अहाँके जे छै गाँवसँ होबऽ लगलै, तऽ ओ मैथिली नाटक जे हम बचपनमे जाके उत्सुकतासँ देखैत रहियै ओ बन्द होबऽ लगलै, तऽ हमरा ओहि समयमे गाँवमे बन्द भऽ गेलै। फेर 2 साल बाद जे छै हमरा मनमे आयल कि नहि नाटक होबऽके चाही, हम जे छै 10 बच्चाके लऽ गेलियै खेतमे, ओहिठाम पाठ वाठ लिख कऽ कार्बनपर दऽ देलियै आ ओ नाटक ओतऽ आयोजित करऽ लगलियै। हम जे छै हाथेसँ लिख कऽ जे छै अखबार अपना गाँवमे ओकर 2-3 बेसी अङ्ग नहि 2-3 अङ्ग निकाललहुँ, तऽ शुरुएसँ ई रचनात्मकताके लऽ कऽ हमरा मनमे ई रहैए। आ अहाँ जे देखबै मिथिला मैथिलीके प्रति भी जे ओहिठामके जे गिरावटके भाव छै, ओहिठाम की छै, बेसी अपनासब चाहै छी कल्चरके उत्थान होइ, लेकिन कहीं ना कहीं मैथिली मैथिल अस्मिता एहिके कमी छै। अहाँके ई बात अहाँके शिवहरसँ लऽ कऽ अहाँके खगड़िया भागलपुर तक नहि भेटक एहि तरहसँ मैथिली अपनाके कहऽवला अस्मिता, अहाँ देखबै जे ओ बातोचीत करत मैथिली भाषामे, जेना हम स्वयं अहाँके बातचीत कऽ रहल छी, तऽ हमरा सीतामढ़ी जिलामे कहै छै अपन सबके भाषा बज्जिका छै, हाँ, लेकिन हम मानै छी कि चूँकि अहाँ अध्ययन करबै तऽ पता चलत बज्जिका अंगिका ई सब जे छै एगो मैथिलीके हाँ भाग छै, ठीक छै, अपन भाषा छै, सबके अपन अस्तित्व आओर ओकर जे छै पहचान कायम रहबाक चाही। तऽ ई जे छै एकटा मैथिली अस्मिता केना होइ, मिथिला मैथिलीमे सामूहिकताके अभाव देखल जाइ छै, आओर किछु जे छै अहाँके देखबै कि कुछ ब्राह्मण आओर कायस्थ ई दू जातिके कल्चरपर साहित्यपर वर्चस्व देखल जाइ छै। हमरा सबके मनमे ई रहैए कि एहि चीजके तोड़ल जाय, आओर अहाँके जातिगत जे छै चुनौती छै एहिके तोड़ल जाय, अहाँके क्षेत्रगत चुनौती छै एहिके तोड़ल जाय, एहिके लगातार विस्तार केना भऽ सकै छै, एहि प्रयासमे लागल छी। आओर सही अहाँ कहली कि बहुत बेसी आलोचना हमरा बचपनसँ बहुत करीब अपना जीवनमे हम करीब 10 संगठन बना चुकल छी, आओर ओहि संगठनके क्रममे होइ छै कि बहुत बेसी आलोचना झेलऽ पड़ै छै, जे नीबके पत्थर रहै छै अब तऽ ओकरा जे छै ईसब झेलऽ पड़ै छै अपना सीनापर, तखने जाकऽ कोनो जे छै महल ठाढ़ होइ छै। हम अहाँके शुरूमे कहलहुँ स्वामी विवेकानन्दके ई कथन छै कि कोनो काज अहाँ जे शुरू करै छियै तऽ शुरुआतमे अहाँके आलोचना होइ छै, आलोचना होइत, विरोध होइत, असहमति होइत, ई 3 प्रक्रिया गुजरलाके बाद जे छै अहाँके सफलता भेटै छै। तऽ हम एहिसँ पीछे नहि घबराइ छी, हमरा अहाँ देखबै ओहूमे जेना हम कोनो अपन राजनीतिक विचारसँ जुड़ल छी तैँ, आ कोनो मिथिला मैथिलीसँ जुड़ल छी तैँ, हम जे छै ओहि संकुचित क्षेत्रमे नहि देखै छी, हम जे छै अपन हम अहाँके बता दी, हम अपन कास्ट समाजके लेल सेहो एहिठाम एक्टिव छी, आओर दिल्लीमे एहिठाम जे छै चित्रगुप्त समाजके एखन बहुत अहाँके जानकारी भेट जायत बहुत पैघ कार्यक्रम हम करऽ जा रहल छी, तऽ अपन गाँवके उत्थान चाहै छी,
पुपरी के उत्थान, सीतामढ़ी के उत्थान, मिथिला के उत्थान, बिहार के उत्थान, भारत के उत्थान आ पूरा विश्व के उत्थान, आ ई सब जे छै एकात्मता से सब चीज जुड़ल छै। आ विरोध होइत रहै छै, आ ई हम नहि कहै छी जे चूँकि हमरा से गलती नहि होइ छै, लेकिन हम अपन जीवटता के जिज्ञासा के बना कर रखै छी। हम चाहै छी जीवन जे भेटै छै एहिमे बहुत ज्यादे भौतिकता के महत्व नहीं होइ छै। अहाँ चाहै छी, अहाँ मनुष्य भेल छी और अहाँ के कृति के अमरता प्राप्त होय तऽ अहाँ के एहि सबमे लागल लागऽ पड़त, नहि तऽ चूँकि अहाँ स्वयं लागल छी एहिसँ अहाँ के थोड़े कोनो आर्थिक आमदनी होइए। ई जे अहाँ जे काज करितौ कोनो हिंदी अंग्रेजी में लिख लिखतौ अहाँ कते पैसा भेट जायत, लेकिन अहाँ के जेना नीक लगे तेना हमरो नीक लगैए। आलोचना होइ छै, आलोचना से हम घबराए नहि छी। आलोचना होइ छै और आलोचना जे छै से प्रगति के द्योतक छै, एहिसँ नहि घबरेबाक चाही। और हमरा नहीं लगे जे एहिसँ बेसी कटहगर सवाल जे छै से हम संजीव जी से पूछ सकै छलिए। संजीव भाई, मिथिला मिरर के एते साफ गोई से तमाम बॉन्सर के झेलैत, तमाम आलोचना के आलोचनात्मक सवाल के झेलैत, एते सहजतापूर्वक सवाल के जवाब देबाक लेल अहाँके बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम जे वेब मीडिया में सक्रिय रही तखनो बहुत जे ओहि समय में वेबसाइट सब चलै तऽ ओ सब जे हुनका विरोध में लिखल जाए ओहि सब के नहि छापल जाए, हम अपन विरोध के बहुत बढ़िया से जे छै ओहिके छापै छलहुँ। आ एहि आलोचना के हम स्वागत करै छी। हम तऽ चाहै छी हमर जे राष्ट्र छै सेहो हमसब एकटा आलोचक राष्ट्र के निर्माण करी और आलोचना से ही कोनो सही विकास होइ छै। अहाँके बहुत बहुत धन्यवाद। अहाँके वेबसाइट से हम जुड़ल छी, नियमित देखै छी और अहाँ जे छै अपन एते दिल्ली में काज करितौ, अहाँ मिथिला में जाकर तमाम जगह जाकर खबर सब लबै छी और बिल्कुल एकदम अव्यावसायिक तरीका से के चला रहल छी। आ हमरा सब गोटे के जे सब ई बातचीत के अहाँ सब देख रहल छी, अहाँ सब के कि अपन अपन किछु किछु छोट छोट काज अहाँ करैत रहू, ओहिसँ जे छै निश्चित रूप से एक ने एक दिन हमर मिथिला मैथिली आगू बढ़त। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से दसक लाठी जे छै से एक बोझ होइ छै आ सब गोटा किछु ने किछु अगर कने ने कने करैत रहबै तऽ मिथिलाक विकास जे छै से हेबे टा करतै। आजुक अंक में एतबै, एक बेर फेर से जे छै से अपने लोकनि से इएह आग्रह करब जे मिथिला मिरर के यूट्यूब चैनल के अपने सब जहिना पसंद करै छी तहिना जे छै से ओकरा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करैत रहू, कारण वैकल्पिक कोनो मीडिया अहाँके मैथिली भाषा में नहि अछि और एकमात्र मीडिया जकरा वैश्विक स्तर पर जे छै अपने सब बहुत बेसी प्रेम दै छियै, भारत के बाद जे छै से कहैत गर्व होइए जे सबसे बेसी हमरा सब अमेरिका में देखल जाइ छी, ताहिके बाद अन्य अन्य देश में जे छै से बहुत रास प्रेम हमरा सबके हमरा पूरा टीम के भेटैए। तऽ अपने सब जतेक एकरा बेसी से बेसी लाइक सब्सक्राइब शेयर करबै तहिना जे छै से हमसब एहने एहने व्यक्तित्व एहने एहने स्वनाम धन्य लोक सबके जे छै से खोजि खोजि के आनैत रहब। आजुक अंक में जे छै से एतबै, अगला अंक में फेर एहने कोनो मूर्धन्य व्यक्तित्व के संग अपने लोकनिक संग उपस्थित होयब। ता धरि कैमरा सहयोगी निशांत कुमार झा के संग हम ललित नारायण झा अपने लोकनि से विदा लेब। नमस्कार, धन्यवाद।